नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर खुशबू। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और IVF कंसल्टेंट हूं। अब फ्रेंड्स, टेस्ट ट्यूब बेबी, कृत्रिम गर्भधारण की प्रक्रिया को हम दो स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्टेप जिसमें हम महिला को इंजेक्शंस देकर उनकी अंडों को प्रिपेयर करते हैं, अंडों को अच्छी क्वालिटी के अंडों को बनाते हैं और अंडों को बाहर निकाल लेते हैं, जिसे ओवम पिकअप की प्रक्रिया कहा जाता है। इन अंडों को बाहर निकालने के बाद IVF लैब में हस्बैंड के शुक्राणु के साथ फर्टिलाइज किया जाता है, जिससे कि फर्दर भ्रूण का निर्माण होता है, एम्ब्रियोज बनते हैं। इन एम्ब्रियोज का जब लैब में निर्माण हो जाता है, या तो day 3 के यानी कि 3 दिन के बने हुए एम्ब्रियोज या 5वें दिन के एम्ब्रियोज, जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, उसे फाइनली नेक्स्ट स्टेप में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया, जिसे भ्रूण स्थानांतरण भी कहा जाता है, की प्रक्रिया के द्वारा उसे हम जो एम्ब्रियोज हमने बनाया था उसे महिला के गर्भ में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, बच्चेदानी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को ही हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया कहते हैं। फ्रेंड्स, इनफर्टिलिटी इतना स्ट्रेसफुल कंडीशन है, मतलब सिर्फ एक बीमारी नहीं है, सोशल स्टिग्मा भी है। वैसे में लोग जल्दी से जल्दी अपने IVF का रिजल्ट चाहते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया के 14 दिन के बाद हम beta-HCG का टेस्ट कराते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि ये प्रोसीजर सक्सेसफुल हुआ या नहीं। लेकिन जो ये 14 दिन का इंतज़ार होता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है, एंग्जाइटी वाला होता है। लोग परेशान होते हैं कि कैसे मुझे जल्दी से जल्दी पता चल जाए कि मुझे प्रेगनेंसी रुकी है या नहीं। उनका प्रोसीजर, जिसके लिए वो इतने समय से इंतज़ार कर रहे थे, जिस खुशी का इतने समय से इंतज़ार कर रहे थे, वो प्रोसीजर सक्सेसफुल हुआ या नहीं, लोग ये जानना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो 14 दिन का इंतज़ार होता है ना, इसमें ही लोग अपने अंदर कुछ ऐसे लक्षण महसूस करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि इन 14 दिनों में प्रेगनेंसी के क्या लक्षण हो सकते हैं, जिससे कि वो समझ सके कि उनका जो प्रोसीजर है सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। तो बस फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि इन 14 दिनों में भ्रूण ट्रांसफ़र के बाद क्या सिम्टम्स, क्या लक्षण प्रेगनेंसी की ओर इशारा करते हैं। लेकिन जो सबसे पहले मैं बात कहना चाहती हूँ कि जो भी सिम्टम्स के बारे में हम बात करेंगे, जिन लक्षणों के बारे में हम बात करेंगे, वो लक्षण प्रेगनेंसी को कन्फर्म नहीं करते हैं। कन्फर्मेटरी टेस्ट इकलौता प्रेगनेंसी का प्रेगनेंसी टेस्ट है, जो हम यूरिन और ब्लड में beta-HCG टेस्ट करके पता करते हैं। दूसरी बात, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको इन 14 दिनों में प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई ही देंगे। ज़्यादातर केसेस में इन 14 दिनों में महिलाओं में कोई अंतर नहीं आता है, जैसे वो भ्रूण ट्रांसफ़र के पहले थी। इन 14 दिनों में भी समय वैसे ही कटता है और आपके अंदर कोई लक्षण प्रेगनेंसी के नहीं होते हैं, लेकिन जब आप टेस्ट कराते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होती है। इसलिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई लक्षण नहीं आ रहे हैं इन 14 दिनों में भ्रूण ट्रांसफ़र के बाद, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम उन लक्षणों की बात करते हैं, जो लक्षण एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद आपको दिखाई दे सकते हैं, जो आपको प्रेगनेंसी की तरफ इशारा करते हैं। सबसे पहले स्पॉटिंग, पीरियड्स के रास्ते हल्का फुल्का ब्लीडिंग एक साइन हो सकता है प्रेगनेंसी का। यूजुअली ये स्पॉटिंग हमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के 7 से 8 दिन के बाद देखने मिलती है। ये स्पॉटिंग इम्प्लांटेशन की तरफ इशारा है। इम्प्लांटेशन मतलब जो भ्रूण हमने आपके गर्भ में ट्रांसफ़र किया था, आपके यूट्रस में ट्रांसफ़र किया था, वो भ्रूण अब बच्चेदानी के झिल्ली के अंदर, लाइनिंग के अंदर अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा है, ब्लड वेसल्स को इरोड करके अपने न्यूट्रिशन की सप्लाई को मेंटेन करने वाला है। इसलिए जब वो इम्प्लांटेशन भ्रूण का हो रहा होता है तो ब्लड वेसल के रप्चर करने से हल्की फुल्की ब्लीडिंग आपको महसूस हो सकती है। हल्का फुल्का आपका पैंटी गंदा हो सकता है, कई बार ये ब्लीडिंग थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है। लगभग 40% प्रेगनेंसीज़ में, IVF प्रेगनेंसी में कभी ना कभी थोड़ी बहुत स्पॉटिंग या ब्लीडिंग कॉमन है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। इनफैक्ट 7 से 8 दिन, 1 सप्ताह के बाद अगर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के आपको स्पॉटिंग होती है, ब्लीडिंग होती है, तो ये एक अच्छा साइन है। लेकिन
कई बार जो हम मेडिकेशंस देते हैं पेशेंट को, दवाइयाँ देते हैं भ्रूण ट्रांसफ़र के बाद, खून पतला करने की दवाइयाँ होती है, प्रोजेस्ट्रॉन दवाइयाँ होती हैं, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पे भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है, स्पॉटिंग हो सकता है। लेकिन अगर आपको स्पॉटिंग हो रही है तो एक रिलीफ है, परेशान होने की बात नहीं है। टू सम एक्सटेंट ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है। आपको आपके डॉक्टर को, जो भी सेंटर पे आपने IVF कराया है, उन्हें कंसल्ट करना है कि ऐसे केस में क्या प्रिकॉशंस और लेने चाहिए। नाउ क्रैम्पिंग, पेट के निचले हिस्से में खिंचाव, थोड़ी सी असहजता या फिर हल्का फुल्का दर्द अर्ली प्रेगनेंसी का साइन हो सकता है, अर्ली प्रेगनेंसी के लक्षणों में से एक है ये। जब बच्चेदानी के अंदर यूट्रस इम्प्लांट करती है तो कई बार यूट्रस के अंदर चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से आपको गर्भाशय में क्रैम्पिंग या दर्द महसूस हो सकता है। लेकिन अगेन, जो हम दवाइयाँ देते हैं प्रोजेस्ट्रॉन मेनली आफ्टर इम्ब्रियो ट्रांसफ़र, जो मेडिसिन दी जाती हैं, वो मेडिकेशंस के साइड इफ़ेक्ट के तौर पे भी कई बार असहजता या फिर एसिडिटी जैसी फीलिंग काफ़ी कॉमन है महिलाओं में। थर्ड नंबर इज़ ब्रेस्ट टेंडरनेस, ब्रेस्ट सोरनेस, आपके स्तनों में खिंचाव, दर्द, जो अर्ली प्रेगनेंसी का एक साइन होती है। अगर आपको इम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद ऐसा कुछ फील नया लग रहा है तो ये एक प्रेगनेंसी का साइन हो सकता है। कई बार जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स हम IVF ट्रांसफ़र के बाद देते हैं, इम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद देते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी ये हो सकते हैं। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से शरीर में पानी जम जाता है, वाटर रिटेंशन होता है, जिसकी वजह से भी आपको टेंडरनेस हो सकती है। फोर्थ पॉइंट इज़ थकान, टायर्डनेस। ये एक ऐसा सिम्टम है जो पूरी प्रेगनेंसी एक महिला को परेशान करता है, फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी लास्ट डे तक, डिलीवरी तक। अचानक से अजीब टाइप की थकान होती है प्रेगनेंसी में, जिसे डिफाइन करना एक्चुअली बहुत मुश्किल है। तो अगर नया नया आपको ऐसा कुछ लग रहा है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के एक वीक 10 दिन के बाद ऐसी फीलिंग आ रही है, तो ये एक तरीके से साइन हो सकती है प्रेगनेंसी की। जी मिचली होना, उल्टी, नौजिया, ये प्रेगनेंसी के मेनली लेट फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जो पहली तिमाही के आखिरी दिनों में और सेकेंड ट्राइमेस्टर के शुरुआती दिनों में नौजिया और वॉमिटिंग ज़्यादा देखने को मिलती है। यूजुअली अर्ली प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में यूजुअली जी मिचली नहीं होती है, लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा महसूस किया है तो ये एक इशारा हो सकती है प्रेगनेंसी की तरफ। लेकिन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद महिलाएं यूजुअली उल्टी जैसी फीलिंग उनको होती नहीं है। सिक्स्थ पॉइंट इज बार बार पेशाब लगना, रात में उठकर पेशाब जाना, यूरिन की फ्रीक्वेंसी एक प्रेगनेंसी का अर्ली साइन होती है। यूजुअली जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स और HCG हार्मोन जो प्रेगनेंसी में शरीर में बढ़ जाते हैं, इसकी वजह से फ्रीक्वेंसी जो यूरिनेशन की है वो बढ़ जाती है, आपको जल्दी जल्दी पेशाब लगता है। अगर आपको यूरिन में इन्फेक्शन है तब भी आपको जल्दी जल्दी पेशाब लग सकता है, लेकिन ऐसे केसेस में आपको साथ में पेशाब करते टाइम जलन, दर्द, फीवर, पेट में दर्द भी एसोसिएटेड होता है। तो ऐसा कुछ अगर आपको सिम्टम लगता है कि यूरिन इन्फेक्शन का एसोसिएटेड सिम्टम है, तो फिर आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को, जो आपकी ट्रीटिंग डॉक्टर हैं, उन्हें तुरंत मिलना है। कई बार महिलाओं को पेट में सूजन, ब्लोटिंग टाइप की लगती है, हमेशा पेट फूला फूला लगता है, लगता है पेट भरा हुआ है, भूख नहीं लगती है। यूजुअली ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन या तो प्रेगनेंसी में बढ़ गई हो, या जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हम मेडिसिन देते हैं भ्रूण ट्रांसफ़र के बाद, उसकी वजह से भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इसमें बोलना बहुत मुश्किल होता है कि ये मेडिकेशंस की वजह से ब्लोटिंग महिला को फील हो रहा है या फिर प्रेगनेंसी रुक गई है, बट ये एक प्रेगनेंसी सिम्टम्स में आता है। बट बहुत डिफ़िकल्ट है, अगर आपको ब्लोटिंग हो रही है तो बहुत डिफ़िकल्ट बोलना है कि ये प्रेगनेंसी की वजह से हो रही है या मेडिकेशंस की वजह से हो रही है। योनि के रास्ते से अगर आपका जो डिस्चार्ज आता है उसमें चेंजेस अगर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, तो ये भी एक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, सक्सेसफुल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की तरफ इशारा करती है। लेकिन आप जब भी आपको मेडिसिंस मिलती है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद, तो देखिएगा कि उसमें कुछ विजाइनल कैप्सूल्स होते हैं जो आपको आपके विजाइना में डालने होते हैं, योनि के रास्ते डालना होता है। तो कई बार इन दवाइयों के वजह से भी डिस्चार्ज होता है, ये दवाइयाँ गल के भी निकलती हैं,
तो आपको डिस्चार्ज ऐसा फील होता है। इसलिए इसको भी हम एक कन्फर्मेटरी साइन या बहुत स्ट्रॉन्ग साइन प्रेगनेंसी का नहीं बोलेंगे, बट येस अगर प्रेगनेंसी लगती है तो एक महिला का जो विजाइनल डिस्चार्ज है, योनि के रास्ते से पानी आता है, वो बहुत ज़्यादा आने लगता है, जो एक प्रेगनेंसी का अर्ली साइन है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ लक्षण थे जो प्रेगनेंसी की तरफ इशारा करते हैं। ये जो 14 दिन का इंतज़ार होता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद, बहुत स्ट्रेसफुल होता है, बहुत इमोशनल अप एंड डाउन्स होते हैं इसमें, जैसे स्पॉटिंग, क्रैम्पिंग, पेट के निचले हिस्से में दर्द और ब्रेस्ट टेंडरनेस एक साइन है, एक अर्ली लक्षण है प्रेगनेंसी का। लेकिन 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 मैं ये बात फिर से कहना चाहूँगी कि एक तो अगर आपको ये सिम्टम्स दिखते हैं, ये लक्षण दिखते हैं, तब भी ये कंफर्म नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी है, जब तक कि आप प्रेगनेंसी टेस्ट ना करा लें। दूसरा, आपको अगर लक्षण नहीं भी दिखते हैं तब भी आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। मोस्ट ऑफ द टाइम आईवीएफ ट्रांसफ़र के बाद पहले 14 दिनों में कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं, प्रेगनेंसी के कोई लक्षण नहीं होते हैं। इसलिए घबराने की बात नहीं है, इन 14 दिनों को अपने जीवन के सबसे इम्पॉर्टेंट 14 दिन माने, खुश रहें, स्ट्रेस ना लें, आपके रिजल्ट्स अच्छे होंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।